ये है हमारे मिस्टर शैतानिया वाले बेबी, और आज 11 मंथ के क्या हो गए, इतना ज्यादा शैतानी कर रहे हैं। ये देखो जरा, भूत नहीं लग रही है? ये बेबी के राज में ऐसी ही लगेगी माँ। और बेबी 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 कैसी लग रही है मम्मी? यो और आप मॉडर्न भूतनी, मॉडर्न भूतनी। देव फिर आप रेडी हो? सो हम देव को, जैसे कि मैं बता रहा था, आज हम लोग जा रहे हैं देवकुल जी की वृंदावन वन, एंड आज काइंड ऑफ लीनिया का पहला लॉन्ग ट्रिप होगा। नाउ दैट पुंटो तो चली जा चुकी है, तो अब यही है प्राइमरी, एंड जो माइलेज का मैं मज़ा लेता था पुंटो डीजल पे, वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला, बट देखते हैं एक्सप्रेस वे पे कैसा रहेगा। सो देव आप रेडी हो? एंड देव की कार सीट अंदर लगा दी हुई है मैंने ऑलरेडी, इनकेस आपको दिखा सकूँ तो। बस अभी जैसे ही सारे के सारे लोग आ जाएंगे, वैसे ही हम इनको ऑन द स्ट्रैप कर देंगे एंड फिर ऑफ वी गो। एंड शायद एक छोटा सा माइलेज रन वीडियो भी दे दूँ, पर टी जेट से क्या एक्सपेक्ट करनी माइलेज हाईवे पे भी, 13-14-15। लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोस टुडे। एंड देव देव इधर देखो, इधर क्या कर रहे हो आप? अपने फैन से कुछ नहीं कहना चाहते? दिस इज फूड आइटम। बड़ी डिक्की वाली गाड़ी का फायदा तो है ना, मतलब अभी तो कुछ भी नहीं रखा, एक बेबी का वॉकर रखा है, खाने का सामान रखा है यहाँ पर, एंड बेबी कैरियर है, एंड इधर कुछ प्लेट्स हैं, एंड उसके बाद भी डिक्की बहुत ज़्यादा खाली है, चाहे तो अभी इसमें सामान और रख सकते हैं। लेकिन अब सीन ये है कि दो बैग्स हैं, जो एक खाने पीने का, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का, और बेबी का सामान, वो अंदर ही रहेगा, तो जगह खाली रहने वाली है आज। यू फीट आज मज़ा आने वाला, टी शर्ट को हाईवे पर लेके जाऊँगा। वैसे मैं टच किया हुआ है इसको हाईवे पर, लेकिन वो काम नहीं किया हुआ, क्या कहते हैं, ढंग से हाईवे पे नहीं चलाया, वो तो आज एक्सप्रेसवे पे। लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोस। बेबी जी को नींद नहीं करा दी है, वो इतना उछल कूद मचाते हैं ना कि गाड़ी में क्या ही बात करें। सो गंदे से ट्रैफिक वाले जाम के बाद हम लोग अभी अक्षरधाम के आसपास पहुंचे हैं, एंड बेबी जी को स्टार्ट कर दिया हुआ है। मम्मी पता नहीं शायद ऑलमोस्ट नींदी मोड में, एंड रिंकी मॉन क्या कर रहा है, फोन खेल रहा हूँ क्या? ऑफिस ये अच्छा अभी उठाया, कैमरा देख के उठाया, वाह वाह, इसके लॉजिक ना यही जाने। पापा ले रहे हैं मौज, है ना। सो हमारा लीनिया में है पहला रोड ट्रिप, लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोस टुडे। एंड अभी तक एक्सपीरियंस बढ़िया है, जैसा से होता है। देखते हैं अभी एक्सप्रेस वे तक पहुंचने में भी लग जाएगा थोड़ी देर। 3 बज गए हैं, 3:10 ऑलरेडी।
ग्लास डाल दिया किसी ने इसमें। What is this? पता करो ऐसे गूगल को पता होगा। ज़्यादा बेबी शोर था हमने उसको उठा दिया। नई गाड़ी पार्क, अब खाएंगे आइसक्रीम। चलो देव क्या कर रही हो? थोड़ी लाइटें वाइटें देखे भी खुश होगा। हाय देव, भाई साहब जी ने आइसक्रीम निकल दी है। अच्छा आइसक्रीम मम्मी को भी दे। चलो देव चलो जी फिर निकला जाए यहाँ से, क्योंकि अभी भी काफी लंबा लंबा जाना है। एंड बेबी लूथरा को भी डाल लेते हैं गड्डी विच। सो ये रिंकी मैम लेके आ रही है, दादी दादू थोड़े से आके खड़े हैं। एंड चलो फिर निकला जाए। ले गया हूँ दूध पिएगी शायद। चल दूध पियेंगे। चलो गोल गप्पे लगा देंगे वैसे भी। बबल चीक्स, वाकई में मजा आ गया क्रूज कंट्रोल के साथ गाड़ी चला के। गाइस पैर को इतना आराम मिला कि क्या ही बताऊं, मजा ही आ गया। दादी पोता डूइंग नीनी, मजे आ रहे हैं दोनों को। सो अभी पार्किंग में गाड़ी लगाई है क्योंकि पुलिस वालों ने रास्ता सारा का सारा बंद कर रखा है वहां पर जो मेन रोड है। सो जबरदस्ती काइंड ऑफ पार्किंग में गाड़ी लगाओ, आप जा नहीं सकते। एंड फालतू के चोंचले गाड़ी पे भी उसने मारा थप्पड़ बड़ा कुछ हो गया होगा ऐसे जैसे। यंदीप जी छोड़ दिए हैं बिल्कुल पैक ओके। वेरी फर्स्ट ई रिक्शा राइड, दे मजा आ रहा है। सो फाइनली शाम के टाइम हम वृंदावन पहुंच गए हैं देव सर के साथ। एंड इस बारी का गाइस माहौल ही अलग था। एंड ये वीकेंड पे आए थे हम लोग एंड अल्टीमेट वाला एक्सपीरियंस आया था। और देव सर की खुशी देख के आपको लग ही रहा होगा कि उन्हें कितना ही मज़ा आया था यहाँ पर। सो इस बारी की जितनी भी मस्तियाँ हैं ना गाइस मैं पूरी दिखाने वाला हूँ, तो देख के ही जाना पूरा का पूरा वीडियो।
अब बारी है गाइस बेबी लूथरा को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में डालने की, जो कि है नन्ना सा प्यारा सा कहना। तो अभी इनको बस यू नो कपड़े चेंज करने का टाइम आ गया है, सो लेट्स गो। एंड इसी के साथ गाइस हमारा नन्ना सा प्यारा सा क्यूटो म्यूटो सा काना रेडी हो गया है। आप भी बताना है आपको कैसा लग रहा है मिस्टर देव। एंड दादू को तो इतना प्यार आ रहा था अपने नन्ने से प्यारे से काना पे कि इतनी सारी फोटो वीडियो बना दी कि वो मुझे पता ही नहीं था, बाद में पता चला। देव 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 क्या कर रहे हो आपने दादी के ऊपर, क्या कर रहे हो? आपको चलना नहीं आता अभी भी? आज आपने बहुत क्रॉल किया है तो थोड़ा और कर लेते। छोटा बेबी मस्ती भरे कुछ घंटों के बाद गाइस जाने का टाइम आ ही गया था, तो हमने बुला लिया एक ई रिक्शा। वहाँ पे बड़े सारे कॉमन है क्योंकि गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, वो भी बड़ी दूर यार।
काफी बच्चे अट्रैक्ट होते हैं इसका मतलब। बाय बाय इस्कॉन टेंपल, वी गोना मिस यू। आज बहुत ही ज्यादा मजा आया एंड देव सर तो पूरे ही काना बन गए थे और वो अल्ट्रा प्यारे लग रहे हैं। ये देखो लाइट वाली मिस्टर स्मॉल आ गए हैं। तो गाड़ी बंद है मम्मी, हाँ तो सर स्टार बेबी बने हुए थे एंड बहुत सारे लोगों ने इनसे फोटो भी खिंचवाई है और हाथ जोड़ के भी गए हैं। क्यों कृष्णा जी ये गंदा गंदा लगा दिया मुझे। ही नहीं रहे हो बेकार रास्ता तो सोके आए हो अपनी कार सीट में बैठ के। देव को खेल मिला हुआ है, सनवाइजर की लाइट जला जला के देख रहा है बार बार, गंदा भी हो गया है। देव सर की डिमांड आ गई है सनवाइजर की लाइट जलाने के लिए। खोलना हो भाई कोई स्टॉप आ गया। वृंदावन से आने के बाद गोगू जी कह रहे हैं कि मुझे अलमारी में बंद कर दो, बहुत हो गया मेरा। ठीक है हम बंद कर लेंगे फिर इसको। गोगू जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बेबी चल भाला